मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर उमा भारती ने अपनी पार्टी की शिवराज सरकार को चुनौती दे दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने शराबबंदी पर कहा कि साल भर के अंदर शराबबंदी पर ऐसी दहशत भर देंगी कि यहां के अधिकारी और प्रशासन सब दहशत में आ जाएंगे। उमा भारती ने कहा कि सरकार ऐसी नीति बना दे कि दुकानें ही नहीं खुले। मध्य प्रदेश में शराबबंदी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर शिवराज सरकार को घेर लिया है। हालांकि वे पहले भी शिवराज सरकार को चुनौती दे चुकी हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में एक जैसी शराब नीति लागू करने की मांग भी है। उमा भारती ने कहा कि वह 6 महीने या साल भर के अंदर शराबबंदी पर ऐसी दहशत कर देंगी कि यहां के अधिकारी और प्रशासन सब दहशत में आ जाएंगे, क्योंकि भय बिन होए न प्रीति। उन्होंने कहा कि मैं आती हूं तो दुकानें बंद हो जाती हैं और मेरे जाने के बाद दुकान तुरंत खुल जाती है। ऐसा नहीं चलेगा। मैं नहीं मानती कि कोई 30 मार्खा है, मैं 60 मार्खा बनना चाहती हूं और चाहती हूं कि सरकार ऐसी नीति बना दे कि दुकानें खुले ही नहीं। कौन दहशत में आया और कौन नहीं आया ये मुझे नहीं पता, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हाँ 1 साल 6 महीने में ऐसी हालत में जरूर कर दूंगी कि दहशत में आ ही जाएंगे, अधिकारी भी आ जाएंगे, शासन प्रशासन का तंत्र आ जाएगा, करना पड़ेगा। भय भी इतना हुए गुस्सा। अब ये जो बात उन्होंने मुझे कही है कि गांव-गांव में लोग इससे निकलना चाहते हैं, तो सरकार तो स्वयं उसके लिए नशा मुक्ति अभियान चला रही है। विधायकों को कहा, जनप्रतिनिधियों को कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि नशे के खिलाफ लोगों को शपथ दिला रहे हैं। वो मेरे आने पर फटाफट सटाफट बंद हो गए और मैं चली गई तो खुल गए। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि एक नीति के अंतर्गत ही ऐसा फैसला हो जाएगा तो मेरे आने पर बंद और मेरे जाने के बाद खुल गए ये भी नहीं होगा। ये भी मैं इसको मैं कोई अपनी बहुत ये नहीं मानती हूँ कि कोई 30 मार्खा आ गया और इसलिए तो बंद हो गए और हम बहुत बड़े थे। नहीं, मैं बड़ा मैं तो 60 मार्खा बनना चाहती हूँ कि नीति ही ऐसी बन जाए कि खुले ही ना, बंद हो तो खुले ही ना। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।